आसन का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक मुद्रा। तो शरीर के द्वारा ली जाने वाली हर मुद्रा एक आसन होता है। हमने 84 आसनों को योगासन के रूप में पहचाना है। ये 84 आसन वो संभावनाएं हैं जिनमें आपका शरीर आपके सामने रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि आपकी परम संभावना के लिए एक माध्यम का काम करेगा। इंसान जो कुछ करता है उसे करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये उसका शरीर और उसका मन है। जिसे मददगार होना चाहिए था वो एक रुकावट सिर्फ इसलिए बन गया है क्योंकि हमने इसकी अच्छे से खोजबीन नहीं की है। योगासन का मतलब है कि आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने शरीर और मन को एक संभावना में रूपांतरित कर रहे हैं, ना कि अपने जीवन में एक रुकावट। आपके अनुभव में हर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और चेतना के स्तर के लिए आपका शरीर स्वाभाविक रूप से एक खास मुद्रा ले लेता है। मतलब अगर आप गुस्सा हैं तो आप एक तरीके से बैठते हैं, आप शांतिपूर्ण हैं तो दूसरे तरीके से, आप में उथल पुथल है तो आप एक तरह से बैठते हैं, आप शांत चित्त हैं तो दूसरे तरीके से। इस तरह से अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि चेतना की जिन अलग अलग स्थितियों का आप अनुभव करते हैं उनके लिए आपका शरीर अलग अलग मुद्राएं ले लेता है। आसनों का विज्ञान इसके उल्टे पर आधारित है। सचेतन रूप से अपने शरीर को एक खास मुद्रा मिलाकर आप अपनी चेतना को भी ऊपर उठा सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन को समझते हैं, उसे आपके बैठने के तरीके से बदला जा सकता है। शरीर पर काम करना सबसे आसान है। अगर आप अपने मन के साथ कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सी चालें खेलेगा। कम से कम शरीर के मामले में आप जानते हैं कि आपका शरीर इसे सही कर रहा है या नहीं, कि शरीर सहयोग कर रहा है या असहयोग कर रहा है। ये मन अगर आप इस पर बहुत दबाव डालते हैं तो ये आपके साथ हर तरह की चाल चलेगा। ये आपको हर तरह की चीजों पर विश्वास करा देगा और अगले दिन धोखा दे देगा। पर शरीर ऐसा नहीं है, ये विश्वास के लायक है। अगर आप इस पर समझदारी से काम करेंगे तो योगासन आपको परम एकत्व की संभावना तक जरूर ले जाएंगे। योगासन के अभ्यास से अनगिनत लाभ मिलते हैं, जिनमें पुरानी बीमारियों से राहत, शरीर और मन को एक ऊंची संभावना के लिए तैयार करना और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना शामिल हैं।